हेलो माय डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पर रोटेशनल uh, मोशन में टॉर्क की बात कर रहे हैं जब कभी हम टॉर्क के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं तो हमेशा हमें एक कॉन्सेप्ट यूज करना होता है दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू आई इनटू अल्फा है ना यहाँ पर आई जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और अल्फा जो है वो एंगुलर एक्सलेशन इससे रिलेटेड हमारे पास में एक क्वेश्चन है क्वेश्चन में गिवन है रॉड इज रिलीज फ्रॉम द वर्टिकल पोजिशन विथ वन And fixed on the ground, allowing it to rotate freely about the fixed and determined angular acceleration of a rod when it make an angle theta with the vertical during its motion. Okay, so here we have ground. This is our ground. Okay, over ground per hamne a rod, this is a end A, this end A is. फिक्स्ड यहाँ पर फिक्स है और ये इजीली यहाँ पर रोटेट कर सकता है तो हमने यहाँ पर एक ऐसा बैरिंग टाइप सिस्टम लगा रखा है ताकि ये इजीली इसके अबाउट रोटेट इसको हमने जैसे ही फ्रीली uh, छोड़ा तो ये uh, इस वर्टिकल प्लेन में रोटेट करने लगी है ना तो जब ये एंगल वर्टिकल के साथ में थीटा एंगल बनाएगी तब इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा क्या होगा वो हमको फाइंड करना है ओके तो यहाँ पर सिंपल सा हमको एक कॉन्सेप्ट लगाना है कि अगर हम फोर्स की बात करें अगर हम फोर्स की बात करें तो इस रॉड पर कौन सा फोर्स काम करेगा डेफिनेटली ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा और वो ग्रेविटेशनल फोर्स हम सेंटर ऑफ मास पर कंसिडर करेंगे तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास पर ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड एम जी लग रहा है ओके okay, अब इस फोर्स का अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करें फ्रॉम दी फ्रॉम दी दिस रोटेशन द एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ये जो आर परपेंडिकुलर होगा वो कितना होगा है ना अगर हम इस टोटल रॉड का लेंथ एल कंसिडर करें तो यहाँ से ए से सी सी मतलब सेंटर ऑफ मास तक का जो लेंथ हो जाएगा वो एल बाई टू हो जाएगा और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इस एल बाई टू का वो होगा एल बाई टू साइन ठीटा कितना होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एल बाई टू साइन ठीटा तो आर परपेंडिकुलर हो जाएगा एल बाई टू साइन थीटा क्या हो जाएगा एल बाई एल बाई टू साइन थीटा, ओके तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्योंकि एल बाई टू का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पर एंगल वर्टिकल के साथ गिवन है तो एल बाय टू साइन थीटा होगा तो यहाँ पर अगर हम टॉर्क की बात करें तो टॉर्क है फोर्स दैट इज एम जी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज एल बाई टू साइन थीटा इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा अगर हम आई की बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो अगर कोई रॉड एक एंड के अबाउट रोटेट करती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाई होता है है ना तो हम यहाँ पर लिखेंगे एम जी एल साइन थीटा ओके okay, और वन बाई टू का आगे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इज इक्वल टू तो एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय थ्री इनटू अल्फा व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन एंड रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड के अबाउट एम एल स्क्र बाई थ्री होता है तो यहाँ एम से एम हम कैंसिल कर सकते हैं एक एल से एक एल को भी कैंसिल कर सकते हैं और अल्फा का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं जो अल्फा का वैल्यू होगा वो होगा थ्री बाई टू ओके जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय एल सो थ्री बाई टू एल इंटू जी साइन थी टाइप ऑफ क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट ओके बिकॉज इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट